असली मर्द है ना तो रखना मत भाई, मुझे भीख दे दो सच में, सब ईमानदारी से दे देंगे। लेकिन बोलते हैं नहीं मालती गलत कर रही है, नहीं विष्णु गलत कर रहा है। अरे तो ज्यादा गिरा हुआ तो विष्णु है, जो कि क्या बोलूं उसको चाहिए, क्योंकि ये लोग सोशल मीडिया को खराब कर रहे हैं इनकी। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मैं बहुत अच्छी हूँ, आई होप आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो मैं अभी इस वक्त अपने घर पे हूँ गुजरात में, तो मेरी वीडियो थोड़ी कम जाएगी बिकॉज यहाँ पर थोड़ा सा उतना लाइट वाइट नहीं है, बट कोई बात नहीं है। बट जैसे ही मैं आप लोगों को इन्फॉर्म करती रहूंगी, तो मैं आप लोगों को उस मुद्दे पे बात करती हूँ जो कि चल रहा है गोरखपुर में बहुत ही हाईलाइट व्यूज के लिए। तो पहली बात तो देखो, मुझे लगता है कोई बोल नहीं रहा यार, मुझे बहुत बुरा लग रहा है। इतने लोग, इतने यूट्यूबर, अगर एक एक लोग बोले तो लोग सुधर जाए, लेकिन कोई सुधारना नहीं चाहता है। मैं मानती हूँ किसी के मैटर में नहीं पढ़ना चाहिए, बट पढ़ना भी चाहिए, क्योंकि ये लोग सोशल मीडिया को खराब कर रहे हैं। इनकी वजह से और भी लोग काम नहीं कर पाएंगे, ये लोग तो व्यूज के लिए कितने भी गिर जाएंगे, और ये ऑलरेडी गिरे हुए हैं। गिरे हुए लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो कितना गिर सकते हैं। सबसे ज्यादा गिरा हुआ तो विष्णु है, जो कि क्या बोलूं उसको तो इज्जत देने लायक है ही नहीं बिल्कुल 1% भी। सच बोलती हूँ, ईमानदारी से बोलती हूँ मैं, वो ही सब कुछ किया हुआ है। और गोरखपुरिया भौजी और मालती और सभी लोग मिले हुए हैं, इन लोगों का काम है सिर्फ व्यूज कमाना। ये लोग व्यूज के लिए कुछ भी कर सकते हैं। जैसे वो गोरखपुरिया रिंकी निषाद, जो यादव खुद को बोलती है, वो अपने पति को गायब करवा देती है। याद क्या करवा देती है? बोलती है जाओ भैया तुम घूम जाओ, मैं तुम्हारे लिए रोना रहूंगा। अरे इससे अच्छा तुम ऐसे ही ऐसे एक कटोरा लो, ऐसे बोलो भाई मुझे भीख दे दो, सच में सब ईमानदारी से दे देंगे। लेकिन तुम लोग फेक चेहरा दिखा के जो लोगों को, पब्लिक को चूतिया समझ रहे हो, तो पब्लिक चूतिया है नहीं। और जितने लोग वहां जाके कमेंट कर रहे हो ना भाई ये सही है वो गलत है, तुम लोग को सीधा सीधा दिखता है यार। पब्लिक को सब पता होता है, पब्लिक को सब दिख रहा है कि क्या गलत है क्या सही। लेकिन पब्लिक सही बातों पे पता नहीं क्यों वो लोग आवाज ही नहीं उठाते हैं। बस वहां पर कुछ बिना अनपढ़ गंवार लोग, पढ़े लोग तो वैसे जवाब ही नहीं देते हैं, और वो जो देंगे वो सही देंगे। कुछ गंवार लोग जाते हैं वहां पर, ये बोलते हैं नहीं मालती गलत कर रही है, नहीं विष्णु गलत कर रहा है। अरे तुम्हें सब दिख रहा है, लोग सब कुछ व्यूज के लिए कर रहे हैं। उसी दिन दिख गया था जिस दिन वो अबीर से शादी करवाया था अपनी पत्नी का। और तू कितना गिरा हुआ, कितने चीफ लेवल का है यार। अगर तू मर्द है ना, असली मर्द है ना, तो रखना मत, तब समझूंगी कि वो तूने रियल था, तू रियल था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि मुझे पता है तू व्यूज के लिए यही सब कुछ कर रहा है, और मालती को भी। और देखो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन तुम लोगों को कुछ भी करना है सोशल मीडिया से हटके, पर्सनल लाइफ में मर जाओ तो भी किसी को फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन ऐसे सोशल मीडिया पे अपनी बदतमीजी दिखा के, अपने घर का कारनामा दिखा के मत करो, क्योंकि हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम होता है, लेकिन हर कोई यहाँ शेयर करने नहीं आता है। सोशल मीडिया इसलिए है कि हम लोग वहाँ पर लोगों को खुश कर सके, ना कि दुख करके और नेगेटिव चीजें दिखा के उनके घर में तमाशा करे। क्योंकि तुम लोग जो दिखा रहे हो ना, उससे लोग यही सोचेंगे कि अपनी वाइफ को हम लोग कुछ करने ना दें। और दूसरी बात है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी जो परेशानियां होती हैं पब्लिक को, तुम लोगों को तो नहीं होती, क्योंकि तुम लोग गंवार हो, पढ़े लिखे हो तो हो नहीं। अगर पढ़े लिखे होते तो ऐसी चीफ हरकत करते नहीं, पर तुम लोग पैसे के भूखे हो। सच में एक समय ऐसा आएगा तुम्हारी लाइफ में जब तुम्हारे पास सिर्फ एक ही रास्ता होगा कि हम भीख कहाँ मांगे, क्योंकि तुम्हें अच्छे से लक्ष्मी जी का आगमन नहीं कर पा रहे हो, अच्छे से तुम लोग ये नहीं देख पा रहे हो कि हम अगर जी खा रहे हैं वो काफ़ी है। तुमको तो बस हाय भूख कैसे भी उजाए कैसे भी उजाए। अरे तुम तो इतने गिरे हुए हो ना कि एक दिन खुद भी मरने का नाटक कर लोगे कि मैं मर गया हूँ। और पब्लिक भी क्या ही चूतिया है यार, सच में बोलती इनको क्यों व्यूज देती भैया, क्यों देती? इनको अनफॉलो करो और गालियां लिखो, गालियां लिखो सिर्फ। और सच बोलती गोरखपुर में कोई मर्द है ना तो इनके घर पे जाके चप्पल चप्पल से मारो इनको, ये लोग सुधर जाएंगे, ताकि ये लोग ऐसी गंदगी ना सोशल मीडिया पे फैलाए। बट कोई बात नहीं, मुझे तो देखो प्रॉब्लम है तो मैं बोल रही हूँ, जिसको नहीं है मत बोलो, वो लोग बढ़ावा दे, क्योंकि हम लोग मेहनत करते हैं, मेहनत करके वीडियो बनाते हैं तो हमें फर्क पड़ता है। यहाँ पर कचरा करके नहीं, क्योंकि हर किसी के लाइफ में प्रॉब्लम है, हर कोई दुखी है, लेकिन अपना दुखड़ा नहीं यहाँ पर रो रहा है वो, क्योंकि लाइफ ही ऐसी होती है जहाँ पर दुख दर्द होते रहते हैं। और ये बेवकूफ़ लोग तो जानबूझ के व्यूज के लिए कुछ भी करते हैं। कोई बात नहीं गाइस, अगर आप लोगों को मेरी बात सही लगे या आपको लगे गलत है तो भी अपना जवाब जरूर दीजिएगा, क्योंकि मुझे लगता है मुझे बोलना चाहिए, तो मैंने बोला। बाय बाय, टाटा।